बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं महा एग्जिट पोल की। तो गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो गया। गुजरात में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई। 5 विधानसभा एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की राजस्थान की सरदार शहर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज हुआ, तो वहीं यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव हुआ। इसी के अलावा 8 दिसंबर को हिमाचल, गुजरात और उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो महा एग्जिट पोल लगातार फोर्सिंडिया पर आप देखते रहेंगे और 8 दिसंबर को सबसे तेज और सटीक नतीजे भी आपको फोर्सिंडिया के जरिए नजर आएंगे। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दो राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे और राजस्थान के सरदार शहर जिसे गढ़ कहा जाता है, स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा का 7 दफा वहां से विधायक, लेकिन उनके निधन के बाद रिक्त हुई सीट पर आज उपचुनाव हुए। 8 दिसंबर को ये सभी रिजल्ट आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के नतीजे जहां पर आएंगे, जहां पर तीनों दल अपनी अपनी दावेदारी करते हुए पहले नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद मुख्य प्रतिद्वंदिता जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही नजर आ रही है। और उसी तर्ज पर गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला बनने की खूब कोशिशें, उसे बनाने की कोशिशें की गई। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, लेकिन आज गुजरात में दूसरे चरण के मतदान भी संपन्न हुए और 5 बजे तक 59% वोटिंग हुई। इसके अलावा राजस्थान के सरदार शहर में उपचुनाव आज हुए और उपचुनावों के नतीजे भी उसी दिन आएंगे जिस दिन 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव आएंगे। तो कुल मिलाकर के 8 दिसंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस देश की और राजस्थान की सियासत से, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी तरीके की भूमिका ये चुनाव किसी न किसी तरह से आपस में लिंक होकर तय कर। एग्जिट पोल्स भी बता देते हैं, क्योंकि अब लोग अपने अपने विश्लेषण लेकर आर भारत का एग्जिट पोल आपको बताते हैं। बीजेपी नजर आ रही है 128 और 148 के बीच में ये सीटें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की आर भारत के मुताबिक एग्जिट पोल के जरिए गुजरात में आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की जहां बात करें तो 30 से 42 के बीच में नजर आ रही है सीटें आती हुई। आम आदमी पार्टी जो कि अपनी जमीन तलाश रही थी, 2 से 10 के बीच उनकी सीट नजर आ रही है गुजरात के चुनाव में। और अन्य दलों की अगर बात करें तो 0 से 3 सीटों के बीच में ही संतोष यहां पर होना पड़ेगा। तो ये आर भारत का एग्जिट पोल था, जिसके अंदर एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ दल जो भारतीय जनता पार्टी बीते 27 सालों से यहां पर बना हुआ है, गुजरात की यहां बात करें तो इस बार भी 128 और 148 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीट गुजरात विधानसभा चुनावों में नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के माध्यम से। कांग्रेस की जब बात करते हैं तो कांग्रेस की सीट 28 और 48 के बीच में। आम आदमी पार्टी जो कि अपनी जमीन तलाशने की और संभावनाएं तलाशने की कोशिश दिल्ली और पंजाब के बाद गुजरात में इस बार करती हुई नजर आई, उनको 2 से 10 सीटें रिपब्लिक आर भारत के जो एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य दल 0 से 3 सीटें इनकी नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं TV9 का एग्जिट पोल, क्योंकि एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं और उसके बाद भी क्या स्थिति है वो 8 दिसंबर की तारीख के साथ में समय के बढ़ने के साथ में स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन TV9 का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 128 सीटें, कांग्रेस को गुजरात में 45 सीटें और आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। ये एग्जिट पोल है TV9 का। इसके अलावा अन्य को एक सीट पर यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो TV9 का एग्जिट पोल कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की जीत 128 सीटों के साथ, हालांकि 150 सीटों के दावे, 150 प्लस सीटों के दावे भारतीय जनता पार्टी। अब इन दावों में, इन एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि 8 दिसंबर अब बहुत ज्यादा दूर नहीं। लेकिन आज चुनाव खत्म होने के बाद और दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद में एग्जिट पोल्स यहां पर सभी चैनल्स और सभी अपने विश्लेषण के माध्यम से बता रहे हैं। TV9 का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटें और अब देखिए एक तरीके का जो बहुमत है वो मिलते हुए जीत के सिंहासन पर। TV9 के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 45 सीटें इसमें नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट नजर आ रही है। तो ये एग्जिट पोल, क्योंकि देखिए लगातार 8 दिसंबर की तारीख का अब जब जैसे जैसे इंतजार और बढ़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे भी उस दिन आएंगे, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण दिन। लेकिन इसके बाद में अब
एग्जिट पोल के जरिए आपको बता रहे हैं, न्यूज एक्स का एग्जिट पोल आपको बताएंगे, क्योंकि उसके बाद में न्यूज एक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक भी जो सीटें हैं बीजेपी की 117 और 140 के बीच नजर आ रही है। कांग्रेस की सीटें कहीं ना कहीं यहां पर 34 और 51 के बीच नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की सीट 6 से 11 के बीच में और अन्य दलों की 1 से 2 सीटें ही नजर आ रही है। तो हर एग्जिट पोल फिलहाल यही कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कि नई जड़ें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी यहां पर उतना वर्चस्व अपना कायम नहीं कर पाई। जिस करिश्मे की उम्मीद थी वो इन एग्जिट पोल के माध्यम से तो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सिरमौर बनते हुए विधानसभा चुनाव गुजरात के लिए नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल को आप समझिए, क्योंकि बीजेपी 117 और 140 के बीच में सीटें लेती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल कांग्रेस जहां पर 34 और 51 के बीच में अपनी सीटें लेती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 6 से 13, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये जो एग्जिट पोल है ये फिर भी ज्यादा सीटें बता रहा है। अन्य दल 1 से 2 सीटें ही लेकर संतोषजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। अब कितनी सच्चाई एग्जिट पोल में है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स आ जाते हैं जिसमें दावे भी हो जाते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजे इन एग्जिट पोल से बहुत ज्यादा तर आते हैं, लेकिन संभावनाएं, क्योंकि रुझान इसी तरीके का था, 27 साल से अजय गढ़ वो भारतीय जनता पार्टी का रहा, और उसी तर्ज पर जब एग्जिट पोल दबाने लगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हक में सबसे ज्यादा सीटें इस एग्जिट पोल के हिसाब से 117 से 140 के बीच में सीटें नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के हक में। इसके अलावा कांग्रेस जो कि कोशिश कर रही थी एक बार फिर से अपनी एक नई अपने आप को तरीके से रिवाइव करने की, कांग्रेस के हिस्से में 34 से 51 सीटें, और आम आदमी पार्टी की बात यहां पर करें तो दिल्ली के बाद में करिश्मे की उम्मीद पंजाब में की, पंजाब में सफलता भी मिली, लेकिन गुजरात में इस करिश्मे की उम्मीद करती हुई आम आदमी पार्टी के हिस्से में कुछ खास फिलहाल इन एग्जिट पोल के माध्यम से नजर नहीं आ रहा। 6 से 13 सीटें ये एग्जिट पोल बता रहा है जो कि आम आदमी पार्टी के हक में नजर आ रही है, और इसके अलावा अन्य के हिस्से में 1 या 2 सीटें ही नजर आ रही है। तो बहुमत के आधार पर एक बार फिर से इस एग्जिट पोल के माध्यम से गुजरात के अंदर कांग्रेस यहां पर कोशिश तो कर रही थी, लेकिन फिर से एक बार जीतती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि वर्चस्व कायम रखने में कामयाब अब किस हद तक होती है इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, कोई भी चुनाव हो, चुनावों की संपन्न होते ही जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी बहुत भूमिका रहती है। कई बार हमने देखा है टेलीविजन डिबेट्स के माध्यम से भी एग्जिट पोल के जरिए वहां पर प्रवक्ता पहुंच जाते हैं, अपने अपने दावे जीत के करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब नतीजे आते हैं, जब रिजल्ट दे वाकई में होता है तो नतीजे उससे ज्यादा इतर हो जाते हैं। लेकिन 8 दिसंबर की जो घड़ी है हर बढ़ते घंटे के साथ में वो स्पष्ट कर देगी कि 8 दिसंबर के बाद में जो चुनाव हुए हैं, जो रिजल्ट हैं, वो कितना ज्यादा कारगर इन एग्जिट पोल के माध्यम से साबित होता है। क्योंकि एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर से करिश्मा दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो कोशिशें थी, जो साझा कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की रही, सभी बड़े चेहरे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनाव के दौरान डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आए, रोड शो करते हुए हमने उन्हें देखा, तो कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हुआ है। दूसरी बात ये, क्योंकि विगत 2017 के चुनावों में कांग्रेस की स्थिति हम जब देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस के दावे वहां कर रही थी, लेकिन 99 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 77 सीटें कांग्रेस के हक में आई थी, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल्स हैं वो 50 के ऊपर सीटें पहुंचते हुए कांग्रेस की नहीं दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि अगर इस पे यही एग्जिट पोल और इसके आसपास भी पहुंच जाते हैं तो फिर ये एक अंतर हो जाएगा, क्योंकि 77 से अगर 50 के बीच की जो दूरी है उसमें क्या फिर ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से नुकसान हुआ, कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर नुकसान हुआ, या फिर कौन से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पहले तो मजबूती थी 2017 के चुनाव में, लेकिन आने वाले चुनाव के बाद में और तैयारियों के बीच में यहां पर कहीं ना कहीं लैग। लेकिन ये मात्र एग्जिट पोल्स, और एग्जिट पोल्स के बाद में जब जो वस्तुस्थिति है वो जब 8 दिसंबर की तारीख के साथ में पूरी सामने आएगी और हर बढ़ते घंटे के साथ पोस्टिंग जहाँ पर आप सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे देख भी पाएंगे। इसी बीच ये पूरी लिस्ट अब आपको दिखा रहे हैं, माह एग्जिट पोल है ये, चैनल्स आप देख लीजिए, आर भारत की सबसे पहले आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, बीजेपी 128-148 के बीच में, कांग्रेस 30-42 के बीच में, आम आदमी पार्टी 2-10 और अदर्स आप देख रहे हैं 0-3 सीटें, ये है आर भारत का। इसके बाद आप देख रहे हैं क्रमशः सभी चैनल्स की लिस्ट, उसके बाद TV9 की लिस्ट जिसमें बीजेपी 128 सीटें ग्रैब करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 45 सीटें ग्रैब करती हुई, आम आदमी पार्टी को 4 सीटें और यहां पर अदर्स को 1 सीट ही TV9 के एग्जिट पोल के मुताबिक मिलती हुई नजर आ रही है। न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है तीसरे नंबर पर जिसमें 117 और 140 के बीच में बीजेपी की ये यहां पर अच्छी पकड़, क्योंकि 150 के निकट बीजेपी का ये एग्जिट पोल
न्यूज एक्स के मुताबिक पहुंचा है। 34 से 51 के बीच में सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई, इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 6 से 13 सीटें और अदर्स को 1 से 2 सीटें। और फर्स्ट इंडिया न्यूज का उसके बाद आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज कह रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक 128 से 135 सीटें। सभी चैनल्स का महा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, आर भारत का एग्जिट पोल, टीवी 9 का एग्जिट पोल, न्यूज एक्स का, और उसके बाद में फर्स्ट इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल। फर्स्ट इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि 128 से 135 के बीच में बीजेपी की सीटें यहां पर आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ग्रैब करती हुई नजर आ रही है। 38 से 46 के बीच में सीटें गुजरात के लिए, विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल फर्स्ट इंडिया का जो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जो की कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन शून्य या फिर एक सीट हो सकता है कि मिले। इसके अलावा जो अदर्स हैं, जो दूसरे दल हैं, वो एक या फिर तीन सीट पर संतोष करते हुए इस एग्जिट पोल के अनुसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सारे चैनल्स का ये क्रमशः है, आप एग्जिट पोल देखते हैं, वहाँ एग्जिट पोल है, स्थितियां स्पष्ट होंगी। 8 दिसंबर की तारीख का इंतजार सभी को करना पड़ेगा, लेकिन विश्लेषण सभी चैनल्स का ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई गुजरात में बहुमत के साथ में नजर आ रही है। बहुत ज्यादा जोर आजमाइश करने की जरूरत भी नहीं है, ना किसी दल के समर्थन की जरूरत है, स्वतंत्र तौर पर बहुमत के साथ बीजेपी जीती हुई इन एग्जिट पोल्स के माध्यम से गुजरात में नजर आ रही है। स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी 8 दिसंबर के हर बढ़ते घंटे के साथ में, क्योंकि हर बढ़ता घंटा इस जीत को, इस दावे को, इस एग्जिट पोल के दावे को भी बताएगा कि कितनी सच्चाई है या फिर कोई करिश्मा एन मोमेंट पर होता भी है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि बात जब बहुमत की है तो भारतीय जनता पार्टी के पास में इनफ बहुमत रहा है बीजेपी के लिए, और 27 सालों की एक बुरी जर्नी रही है जो इस बार भी मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। सभी चैनल्स के एग्जिट पोल को आप दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स के बारे में जो वस्तुस्थिति है वो 8 दिसंबर को स्पष्ट हो पाएगी। आर भारत का एग्जिट पोल 128 से 148 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। आर भारत के अनुसार गुजरात में कांग्रेस को 30 से 42 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीटें बता रहा है आर भारत की मिल सकती है, यानी कि 10 सीटों तक पहुंच सकती है आर भारत के अनुसार जो आम आदमी पार्टी है गुजरात के चुनाव में, और जो दूसरे दल हैं उन्हें शायद हो सकता है कि कोई सीट ना मिले या फिर हो सकता है कि 3 सीटें मिल भी जाए। टीवी 9 का एग्जिट पोल उसके बाद में 128 सीटें यहां पर टीवी 9 के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार मिलती हुई, 45 कांग्रेस के हक में, उसके बाद में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल के माध्यम से, और उसके बाद में जो अदर्स हैं उनको। अब आपको बता देते हैं दूसरे चैनल्स के भी आज तक का विश्लेषण। महा एग्जिट पोल ये कहता है कि बीजेपी 24 से 34 सीट, और ये बहुत बड़ा एग्जिट पोल इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर जो नतीजे हैं इस विश्लेषण के आधार पर वो बहुत ज़्यादा अलग है, और ये जो बता रहे हैं वो ये कश्मकश असमंजस जो कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा एग्जिट पोल लग सकता है। आज तक एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को शून्य और अदर्स को भी शून्य, यानी कि आज तक के अनुसार सीधा सीधा मुकाबला, जो टक्कर का मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। 24 से 34 सीटें आज तक के अनुसार बीजेपी को, और कांग्रेस के अनुसार 30 से 40। इसके अलावा नवभारत एजीटी का जो महाविश्लेषण है, महा एग्जिट पोल है, वो कह रहा है कि 34 से 42 सीटें बीजेपी की और 24 से 32 सीटें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी को इसमें भी शून्य और अदर्स को इसमें भी शून्य। आर भारत का जो विश्लेषण है वो कह रहा है कि 34 से 39 सीटें बीजेपी की, इसके अलावा 28 से 33 सीटें कांग्रेस की, और आम आदमी पार्टी आर भारत के विश्लेषण के और एग्जिट पोल के अनुसार एक सीट यहां पर, और जो दूसरे दल है वो एक या फिर चार, एक से चार के बीच में ये सीटें मिल सकती है। हक में महाविश्लेषण, महा एग्जिट पोल, इसके अलावा कांग्रेस की जब बात हो रही है तो 28 से 33 के बीच में कहीं ना कहीं सीटें यहां मजबूत होती हुई कांग्रेस की नजर आ रही है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी की एक, और जो दूसरे दल है वो एक से चार के बीच में ये नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल का आपको बता रहे हैं महा एग्जिट पोल, इससे पहले गुजरात में तो साफ तौर पर बहुमत जो कह रहा है महा एग्जिट पोल के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन हिमाचल में कांटे की टक्कर, कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि जो सीटें हैं, जो सीटों का फासला है वो बहुत ज्यादा कम, अंतर बहुत ज्यादा कम, ये विश्लेषण कह रहे हैं। आज तक का विश्लेषण कहता है कि 24 से 34 सीटें
बीजेपी को मिल रही है हिमाचल में तो कांग्रेस को मिल रही है 30 से 40 सीटें, यानी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर ये होता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। वो उदयपुर चिंतन शिविर जिसमें ये सारे मंथन किए गए थे, जीत के दावे किए जा रहे थे, पार्टी की मजबूती के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया गया, वो सभी सार्थक हो जाएगा अगर ये जीत दर्ज कर ली जाती है हिमाचल में। उसके अलावा नव भारत EGT बता रहा है कि 34 से 42 सीटें बीजेपी के हक में, इसके अलावा 24 से 32 सीटें कांग्रेस के हक में, और शून्य भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर के अलावा आम आदमी पार्टी को शून्य, अदर्स को इसमें भी शून्य। इसके अलावा आर भारत का महाएग्जिट पोल कह रहा है कि 34 से 39 सीटें हैं बीजेपी के पास हिमाचल में, 28 से 33 कांग्रेस की कड़ी टक्कर। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाता सीटों का, लेकिन अगर थोड़ा भी उलटफेर इसमें होता है तो फिर एक जो कयास लगाए जा रहे थे उसमें भी बल मिल सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। आर भारत हिमाचल विधानसभा चुनावों में एक सीट के दावे कर रहा है, महाएग्जिट पोल कह रहा है कि एक सीट आम आदमी पार्टी को वहां मिल सकती है, और अदर्स जो दूसरे दल हैं उन्हें एक या फिर चार सीटें मिल सकती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज का जो विश्लेषण है, महाएग्जिट पोल है, वो आप सुन लीजिए। उसके अनुसार बीजेपी को 34 से 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है हिमाचल में, इसके अलावा कांग्रेस 28 से 33 सीटों तक पहुंची, यानी कि इधर से 34 और 39 और इधर 28 से 33 बहुत कम अंतर इससे भी हो जाता है चुनावों में। ऐलान के बाद में अब जितने भी दावे होंगे उसके बाद में जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल गुजरात के बाद में हिमाचल का महाएग्जिट पोल जो कि बहुत ज्यादा क्लोज, दोनों ही दल सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के लिए।